कोविड संक्रमण की चेन को रोकने के लिए पूरे बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन है और बेगूसराय में लॉकडाउन का कितना असर है ये जानने के लिए सिटी टाइम 7 के रिपोर्टर गुलशन कुमार बेगूसराय के खुदाबंदपुर थाना क्षेत्र में पहुंचे। बेगूसराय समस्तीपुर बॉर्डर SS 55 पर समेत मेघौल धर्मगाछी चौक, खुदाबंदपुर प्रखंड मुख्यालय चौक, तारा चौक, फफौत पुल चौक, चलकी चौक पर प्रखंड विकास पदाधिकारी राघवेंद्र कुमार, अंचलाधिकारी सुबोध कुमार, थानाध्यक्ष सुधीर राम अपने पुलिस बल के साथ सघन वाहन चेकिंग अभियान करते दिखे। सघन वाहन चेकिंग अभियान के दौरान सीमावर्ती रोसड़ा बाजार से आने वाले यात्री वाहनों को लौटा दिया गया और बेगूसराय की ओर से आए वाहनों की सघन चेकिंग कर उन्हें परिचालन पर रोक लगाने की सख्त हिदायत दी। सड़क पर चल रही बाइक्स को भी नहीं जाने दिया गया। खुदाबंदपुर में लॉकडाउन का अच्छा खासा असर देखा गया। चौक चौराहों की दुकानें तो बंद रहीं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के टोले मोहल्लों की अधिकांश दुकानें खुली देखी गईं। चेकिंग अभियान के बावजूद भी लोग घरों से बाहर निकल ही रहे हैं। घर से निकलने वाले लोगों से हमारी टीम ने बात की, उसका क्या जवाब मिला जरा आप भी सुनिए। नमस्कार, सिटी टाइम्स 7 देख रहे हैं आप और मैं हूं गुलशन कुमार। पूरे बिहार में लॉकडाउन है और लॉकडाउन का कितना असर हो रहा है ये हम आपको दिखाने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। उससे पहले आपको रिपोर्ट दिखाएं, आप लोगों से अपील है कि आप लोग अपने अपने घरों में रहें, बाहर ना निकले। आप लॉकडाउन कैसा है, लॉकडाउन का कितना असर है ये दिखाने के लिए हम लोग हैं। इस वक्त हम बेगूसराय के खुदाबंदपुर थाना के ठीक सामने हैं और यहाँ देखिए प्रशासन लगी हुई है, लोगों को रोक रही है, लॉकडाउन का पालन करवा रही है। चलिए हम लोगों से पूछते हैं कि वो घर से क्यों बाहर निकल रहे हैं। कहाँ चले हो? सामान देखिए पूरा दादी मर गया उनका। सामान देखिए खाना पीना पे अभी दिल्ली आर्मी वहाँ नहीं खाया है, अभी थोड़ा देख लीजिए घर में है पीछे। कहाँ घर है? मलमल्ला। कहाँ थे? कहाँ रही है? रहिए है डॉक्टर कने लिए बौआ के हाथ रेन टूटल है एक्सरा कर। हाँ घर वाले घर मलमला है। हाँ डिब्बा लेके हॉस्पिटल है, बस कपड़ा है डिब्बा नहीं, कपड़ा है नजर आ रहा था कपड़ा का। दूध होगा उसमें। बच्चा ठीक हो जाए ऑपरेशन होना है। हाँ ठीक कन्या गंगा ना भेल के मरने में जाना समरे में मरने वाला नहीं सर, वहाँ मर गया था, वहीं से नहा धोवा के आ रहे हैं। कहाँ घर है? दूसरा। कोई लग रहा है कि मर गया है सर? वहाँ से नहा के आ रहे हैं सर, नहा के आ रहे हैं, मर गया था जब ना। कहाँ चल रही है? लॉकडाउन से नहीं पता है क्या? कहाँ चल रही है? कहाँ जाए उन्हों मिले नहीं वहाँ नहीं ना लियोन्ने जाए छी लियोन्ने काम लॉकडाउन है तो उसमें काम है। कौन सा काम? ये जो रही है ना रही। लॉकडाउन का मतलब है घर में रहना, कहीं नहीं निकलना। मेरा काम दूध है, अच्छा दूध का है। दूध वहाँ नहीं है, टाउन में बोल रहे हैं। गाँव तो मिल रहे हैं। कौन गाँव? यही बगल खुदाबंदपुर। घर कहाँ? मेघौल। वहीं दूसरी ओर प्रशासन के आदेश के बावजूद भी बसें चल रही थी। हमने भी एक बस चालक से पूछ ही लिया। बस बंद है फिर भी आप लेके आ गए? सब इमरजेंसी ट्रेन वाला गाड़ी से सर आया है, सब वही सब को जा रहे पहुँचा कर खड़ा कर देंगे सर। सब तो इमरजेंसी वाला नहीं? हाँ नहीं सर, देख लीजिए पूछ लीजिए, आप लोग को कोई पूछना है तो पूछ सकते हैं। हम लोग तो क्या बोलेंगे, हम लोग तो झूठ भी बोल सकते हैं। पैसेंजर जो जाने वाला झूठ नहीं बोल सकते। पैसेंजर को सिखा दिए होंगे तो? हम काहे के लिए सिखाएंगे सर, कितना सिखाएंगे हम लोग, कितना। और कहीं नहीं रोकता? नहीं सर कहीं नहीं। बस के लिए नहीं बंद है? नहीं, अभी साहब लोग बोले हैं ट्रेन को, हवाई जहाज को, डॉक्टर यहाँ जाने वाले को सबको बैठा कर ले जाना है, ले आना, और पब्लिक को किसी को नहीं बैठाना। सवेरे भी हम लोग थानाध्यक्ष सुधीर राम ने बताया कि संपूर्ण लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए सीमावर्ती प्रशासन को भी सख्ती बरतनी होगी। रोसड़ा पुलिस के साथ साथ बेगूसराय, मंझौल, चेरिया, बरियारपुर पुलिस
अगर सख्ती करे तो इस मुख्य पथ पर वाहनों का आवागमन ठप हो जाएगा और खोदाबंदपुर पुलिस को परेशानी नहीं होगी। सिटी टाइम्स 7 के लिए राजेश कुमार के साथ गुलशन कुमार की रिपोर्ट।